बेवेस्टर मेथड में आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आप इसको देखेंगे ये भी कि किसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, बेवेस्टर मेथड से हम लोग साइकिल डिजाइन कर रहे हैं। साइकिल का लेंथ आपको याद हो तो साइकिल का लेंथ हम लोगों ने, साइकिल लेंथ निकालने का एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या था? सी इज इक्वल टू एन टी एल अपॉन वन माइनस सिग्मा वी आई अपॉन एस आई, इस तरीके से फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, जो बेवेस्टर मेथड का जो फॉर्मूला आता है वो भी समथिंग समथिंग इसी के जैसा आता है, बस थोड़ा सा उसमें क्या है, मॉडिफिकेशन है। और हम लोग हमेशा या हमेशा क्वेश्चन में जनरली हमसे बेवेस्टर मेथड ही पूछा जाता है, ये वाला फॉर्मूला बहुत रेयरली ही कभी कभार यूज किया जाता है जब तक कि उसमें स्पेसिफिकली इसको मेंशन नहीं किया है। तो वेबस्टर मेथड में सर क्या खास बात है? तो वेबस्टर मेथड में सबसे पहले तो ये हमारा, इसको हम लोग प्री टाइम्ड सिग्नल के लिए यूज करते हैं। प्री टाइम सिग्नल आप समझ रहे हैं, मतलब जो मैंने बताया था आपको फिक्स्ड टाइम सिग्नल, उसमें हमारा क्या रहता था कि जो सिग्नल का लेंथ रहता था, मीन्स कि ग्रीन टाइम कितना होगा, रेड टाइम कितना होगा, एम्बर टाइम कितना होगा, वो सारी चीजें क्या रहती थी, कॉन्स्टेंट रहती। तो ये हमारा फिक्स्ड टाइम सिग्नल के लिए ही यूज किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। क्लियर? प्लस बेवेस्टर मेथड सिंपल एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि इसमें जो हमारा टोटल डिले होगा, टोटल डिले मीन्स के व्हीकल को कितना देर वेट करना पड़ेगा रेड लाइट पर, तो वो कम से कम करना वेट करना पड़ेगा, हम लोग यही चाहेंगे एवरेज डिले पर व्हीकल क्या हो, कम हो, तो वो इसमें उसको हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश की गई है, उसी की हेल्प से हमारा जो भी फॉर्मूला ड्राइव होके आता है। तो ये हमारा है बेवेस्टर मेथड, क्या फॉर्मूला होता है उसको मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। बेवेस्टर फाउंड दैट द मिनिमम साइकिल इज जस्ट लॉन्ग इनफ टू अलाउ ऑल द ट्रैफिक विच अराइव्स इन द वन साइकिल अज्यूमिंग यूनिफॉर्म फ्लो टू पास थ्रू द इंटरसेक्शन इन द सेम साइकिल। बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है कि हमारे क्या है, जो कोई भी एक साइकिल है जब तक उस पर रेड लगा हुआ है उस फेज में, तो जितने भी व्हीकल्स लेन में खड़े हुए हैं वो सारे के सारे व्हीकल्स वहां से क्रॉस कर जाएंगे। इस तरीके से हम लोग सिग्नल को डिजाइन करेंगे, प्लस लास्ट लास्ट में हमारा क्या होगा कि कुछ व्हीकल्स, उनको कुछ भी वेट नहीं करना पड़ेगा, विदाउट एनी डिले से सीधे आएंगे और सीधे सिग्नल को पार कर जाएंगे। इस तरीके से हम लोग अपना सिग्नल का साइकिल टाइम डिजाइन किया जाता है। तो देखो वही लिखा हुआ है, वेवेस्टर फाउंड दैट मिनिमम साइकिल इज जस्ट लॉन्ग इनफ, के इतना सफिशियंट है वो टू अलाउ ऑल द ट्रैफिक विच अराइव इन द वन साइकिल, के एक साइकिल में जितना ट्रैफिक आता है उसको पूरा का पूरा वो क्या करता है, क्लियर कर देता है, एज्यूमिंग यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म रेट पे हमारे सारे के सारे व्हीकल्स अराइव कर रहे हैं, टू पास थ्रू द इंटरसेक्शन इन द सेम साइकिल। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस मेथड ऑप्टिमम साइकिल टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द लीस्ट टोटल डिले। याद रखेंगे कि किस पर बेस्ड है हमारा, लीस्ट टोटल डिले एट द सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कभी कभार थ्योरेटिकली पूछ लिया जाता है। प्लस नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दिस मेथड इज यूज फॉर द प्री टाइम्ड सिग्नल। प्री टाइम्ड सिग्नल को हम लोग क्या बोलते थे, फिक्स्ड टाइम सिग्नल भी बोलते थे, आपको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस इसको कर चुके हैं। तो ये हो गया मेरा वेवस्टर मेथड, ये वाला जो फॉर्मूला है हम लोग ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब वेवस्टर मेथड का क्या फॉर्मूला होता है वो अभी आगे आपको डिस्कस बताता हूँ मैं। ठीक है, तो बेवेस्टर मेथड का जो फॉर्मूला होता है, तो मैं लिखता हूं एज पर बेवेस्टर मेथड जो मेरा सी होगा साइकिल टाइम, वो होता है मेरा 1.5 एल प्लस 5 डिवाइड बाई 1 माइनस वाई। अब यहाँ पे सारे के सारे टर्म्स आप एकदम अच्छे से समझेंगे, वो कौन सा टर्म क्या का मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो सी आपका आता है साइकिल लेंथ, इसको हम लोग सेकेंड्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल है। जो एल होता है मेरा, L होता है मेरा टोटल लॉस्ट टाइम, एक साइकिल में मेरा कितना लॉस्ट टाइम टोटल हो रहा है, टोटल लॉस्ट टाइम इन वन साइकिल। ठीक है, अब किसी भी फेज में, किसी भी साइकिल में मेरा लॉस्ट टाइम क्या होता है, जो TL से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते थे, टोटल लॉस्ट टाइम आता था, स्टार्टअप लॉस्ट टाइम होता था, क्लियरेंस लॉस्ट टाइम होता था, ये सारी चीजें होती थी। तो उसको यहाँ पे वेबस्टर ने रिप्रेजेंट किया एज एन टी एल प्लस आर। अब देखो इसने इसको एन टी एल लिखा, लेकिन यहाँ पे जो TL है वो टोटल लॉस्ट टाइम नहीं है, यहाँ पे जो TL है वो है हमारा स्टार्टअप लॉस्ट टाइम। तो ये आप याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्टार्टअप लॉस्ट टाइम है ये हमारा। ठीक है, R जो है, अब देखो आप बोलोगे कि ये तो हमारा टोटल लॉस्ट टाइम था, तो इसमें हमारा क्लियरेंस टाइम को किस तरीके से इंक्लूड किया है, उसने इसको क्या किया, आर को बोल दिया ऑल रेड टाइम, ऑल रेड टाइम इन ऑल रेड लॉस्ट टाइम, लॉस्ट टाइम जो होता था हमारा, ऑल रेड लॉस्ट टाइम जो होता था हमारा ये इन वन साइकिल, ये कंप्लीट साइकिल में है, और जो TL है ना स्टार्टअप लॉस्ट टाइम इन ईच फेज, एक फेज में कितना है वो उसके ऊपर है, और n से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि टोटल लॉस्ट टाइम निकालना है, तो n क्या हो जाएगा मेरा
नंबर ऑफ फेज, ये आप याद रखेंगे, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा काम ये फॉर्मूला आता है हमारा, ठीक है। तो एन टी एल प्लस आर, अगर कभी कभार आपको टीएल की वैल्यू नहीं दी है, टीएल मतलब स्टार्टअप लॉस टाइम की आपको वैल्यू अगर नहीं दी गई है क्वेश्चन में, तो आप इसको अज्यूम कर लोगे 2 सेकेंड इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 सेकेंड इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो एल क्लियर हो गया आपका, 5 तो कॉन्स्टेंट है। फिर आता है मेरा वाई, तो जो वाई होता है उसको मैं बोलता हूँ अपना क्रिटिकल क्रिटिकल फ्लो रेशियो, क्रिटिकल फ्लो रेशियो। क्रिटिकल फ्लो रेशियो मेरा क्या होता है, रेशियो ऑफ क्रिटिकल इन वॉल्यूम एंड सेचुरेशन फ्लो, तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन एस। तो एक तरीके से जो वाई होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फेज का जो क्रिटिकल लेन वॉल्यूम होता है एंड सेचुरेशन फ्लो होता है सबको रिप्रेजेंट करता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा वी आई अपॉन एस आई। अगर मेरा एस आई सबके लिए सेम है तब तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, वी आई को मैं अकॉर्डिंगली वहां पर चेंज करते जाऊंगा। तो ये हो जाता है मेरा क्या, साइकिल टाइम, ठीक है। अब देखो और अच्छे से मैं डिटेल में इसको लिखूं, वाई को डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाया था पहले, तो यहाँ पे भी आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं अपना, ये इस तरीके से, ठीक है। ये है मेरा, सपोज दैट ये फेज वन है, ये फेज टू है, यहाँ पे जो क्रिटिकल लेन वॉल्यूम है वी वन है, यहाँ पे क्रिटिकल लेन वॉल्यूम जो है वी टू है, और मैंने मान लिया कि जो मेरा सेचुरेशन फ्लो रेट है वो दोनों फेज के लिए क्या है, सेम है। एस इज इक्वल टू सेचुरेशन फ्लो रेट एंड इट इज सेचुरेशन फ्लो रेट एंड इज इट सेम फॉर बोथ फेज, सेम फॉर बोथ फेज, मैंने ये इसको मान लिया। तो जो मेरा वाई का वैल्यू होगा, वाई मेरा क्या हो जाएगा, वी वन अपॉन एस प्लस वी टू अपॉन एस। सिंपल मैं इसको वी वन प्लस वी टू अपॉन एस भी लिख सकता हूँ। क्लियर, समझ में आ गया होगा ये आपका क्या है, एस किस वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें एस जो होता था आपको पता है, एस को हम लोग क्या लिखते थे, 3600 अपॉन एच। अगर मेरा एच क्या होता था, मेरा सेचुरेशन हेडवे। तो इस तरीके से मैं अपनी सारी की सारी चीजें यहाँ पे अपना कैलकुलेट कर सकता हूँ, साइकिल टाइम, ठीक है। अब और कभी कभार आपको क्या किया जाता है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया जाता है कि साइकिल टाइम से वो साइकिल निकलवाते हैं, साइकिल सॉरी वेबस्टर मेथड से साइकिल टाइम निकलवाते हैं, और साइकिल टाइम निकालने के बाद वो आपको ग्रीन स्प्लिटिंग के लिए भी बोलते हैं। तो ग्रीन स्प्लिटिंग करना तो आपको आता ही है, कैसे करते थे ग्रीन स्प्लिटिंग, फिर से बता देता हूँ। इफेक्टिव ग्रीन टाइम उसमें हमारा आता था, क्या होता था कि साइकिल टाइम माइनस टोटल लॉस्ट टाइम जो भी हुआ इनटू क्या हो जाएगा, एक तरीके से मेरा अगर मैं सबका लिए सैचुरेशन फ्लो मेरा कांस्टेंट है तो एस से एस तो कट ही जाएगा, तो मैं या तो ये लिख दूं इसको वीए डिवाइड बाय वीए प्लस वीवी लिख दूं, इस तरीके से लिख दूं, या फिर एस तो मेरा कांस्टेंट है तो मैं इसको सिंपल ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, वाईए डिवाइड बाय वाईए प्लस वाईवी। अगर मेरा एस कॉन्स्टेंट है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना इफेक्टिव ग्रीन टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो कभी कभार क्वेश्चन में आपसे ये चीज भी पूछी जाती है, तो याद रखेंगे, ग्रीन स्प्लिटिंग बता ही चुका हूँ। तो ये हो गया मेरा वेबस्टर मेथड, इसकी हेल्प से हम लोग इस तरीके से अपना साइकिल को डिजाइन कर सकते हैं।